देखिए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 1st और 2nd कराए थे और बहुत अच्छे से समझाया था। आप उस वीडियो जरूर देखें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। पहले ध्यान से क्वेश्चन समझिए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पार्क में बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड बनाना चाहता है, ठीक, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। कहता है कि अगर कि वो जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उन बच्चों के लिए वो स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर रखना चाहता है और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री रखना चाहता है। क्लियर? हाइट छोटे बच्चों के लिए कितनी रखना चाहता है स्लाइड की? 1.5 मीटर, और उसका एंगल 30 डिग्री बने। जबकि जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए वो स्लाइड की हाइट 3 मीटर रखना चाहता है एंड इंक्लाइंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो एंगल बनाना चाहता है वो 60 डिग्री बनाना चाहता है। वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस? तो दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी? सबसे पहले इसमें दो केस हैं। सबसे पहला केस छोटे बच्चों के लिए, दूसरा बड़े बच्चों के लिए। पहले स्लाइड में जो छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए क्या करना है, जो स्लाइड की हाइट दे रखी है वो वन पॉइंट स्टिप स्लाइड की हाइट दे रखी है वो 3 मीटर है और जो एंगल है 30 डिग्री का है। जब तो आपको स्लाइड बतानी है कि स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ठीक। अब जो बड़े बच्चों के लिए उसकी हाइट 3 मीटर रखना चाहते हैं और एंगल 60 डिग्री रखना चाहते हैं, तो उसकी स्लाइड की हाइट क्या होगी, ये लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी। अब हमको ये अच्छे से समझ में आ गया वो क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन समझ में आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम पहले बनाएंगे डायग्राम। मैंने आपको बताया था पहले ये फॉर 5 ईयर्स एज, यहाँ पे लिखेंगे बिलो द, फॉर बिलो द, या फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एज ऑफ 5 ईयर्स। देखिए ये आपकी हाइट है और इस स्लाइड की लेंथ है, इसे ये क्या है स्लाइड, क्लियर, और ये क्या है आपकी इसकी हाइट, इसका डाल दो ए, इसका डाल दो बी, इसका नाम डाल दो सी, क्लियर। ये हमें दे रखा है 1.5 मीटर छोटे बच्चों के लिए और एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके फिर दिखाएंगे आपको बड़े बच्चों के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया था नोन अपॉन अननोन, PVP अपॉन HHP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ये बताया था आपको। अब नोन क्या है? नोन हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी, और अननोन क्या है जो निकालना है, ए सी स्लाइड। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, हाइट ऑफ स्लाइड ऑफ 1.5 मीटर, क्लियर। ए सी इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। अब ध्यान से देखिएगा, बस नोन अपॉन अननोन, यानी ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। ए सी क्या है बताइए? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। अब साइन एंगल कितना रखा है? 30 डिग्री, तो साइन 30, क्लियर। अब ए बी कितना रखा बच्चों? 1.5, क्लियर। और ए सी कितना है फाइंड करना है। 30 वैल्यू, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ए सी इजकल टू, क्रॉस मल्टी कर देंगे, 15 × 30, यानी 3 मीटर, 3 मीटर, क्लियर। अब हम लोग क्लियर हो गया। अब बड़े बच्चों को बनाएंगे, देखिए ध्यान से। फॉर यंगर, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब देखिए
ये आपकी स्लैब की हाइट, क्लियर, कितनी है, एस 3 मीटर, और एंगल कितना रखा 60 डिग्री, इसको डाल दो पी, इसको डाल दो क्यू, इसको डाल दो आर। तो भाई पी को क्या है आपकी हाइट, और क्यू पी आर क्या है आपकी स्लाइड की लेंथ, क्लियर, ऐसे लिख लेंगे। तो पी क्यू अपॉन पी आर इज कल टू साइन 60, ये भी साइन आ गया, हमने पी अपॉन एच ही लिया है। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका है 3, और पी आर आपको फाइंड करना है, इज कल टू साइन 60 कितनी होती है, √3/2, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो पी आर इंटू √3 इज कल टू पी आर इंटू √3 इज कल टू 6, तो पी आर इज कल टू 6/√3। अब यहाँ पर नीचे रूट आया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 का, 6/√3/√3, क्लियर, तो ऊपर क्या हो गया 6√3/√3 × √3, तो 3 × 6, 2√3 आपकी पी आर आ गई, 2√3 मीटर, क्लियर हो गया। तो बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर होगी, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनेगी उसकी जो लेंथ होगी 3 मीटर होगी, क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए बच्चों 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, और जहाँ से ये एंगल बन रहा है वहाँ से लेकर उस एंगल का जो टॉप से जो नीचे एंगल बनना उससे कुछ टावर जहाँ खड़ी है टावर के फुट से उसकी जो डिस्टेंस है 30 मीटर है, समझ में आ रहा आपको मैं क्या कहा, जो टावर लगा हुआ है टावर के टॉप से जो आपका एंगल बनना है ग्राउंड से, उस ग्राउंड से जो एंगल बनना है उससे लेकर जहाँ टॉप का फुट है टावर का जो फुट है उससे 30 मीटर दूरी पर है, और एंगल कितना बनना है 30 डिग्री का, तो आपको क्या करना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। तो अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यही चेक करना है, पहले डायग्राम बनेगा, उसके बाद तुरंत आपको समझ आएगा। ये हाइट है टावर की, ठीक, और इसके टॉप से और ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है, और क्या क्या रहा है कि जो टॉप जो टावर लगा हुआ है और जो एंगल बना उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर। आपका नाम इसमें नाम ए डाल दो, बी डाल दो, सी डाल दीजिए, और यहाँ खत्म। अब ए बी क्या है, लेट, यहाँ से मेंशन करना पड़ता है, ए बी इज हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, और बी सी क्या है, डिस्टेंस है फुट ऑफ द टावर और एंगल ऑफ एलिवेशन बीच में। अब देखिए हमें नोन क्या है, बेस, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए ध्यान से, पी अपॉन एच हमने निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और दे क्या रखा है, बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, साइन कॉस टेन, क्या ये टेन, क्या होता है ये टेन, तो टेन 30 क्या होगा, टेन 30। ए बी कितना है फाइंड करना है, बी सी कितना है 30 है, कितना है 30, और टेन 30 वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी इंटू √3 इज कल टू 30, देन ए बी इज कल टू 30/√3, फिर रूट नीचे आ गया तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 30√3 ऊपर हो गया, और √3 × √3 कितना हुआ 3, 3 × 10 = 30, तो 10√3 मीटर हाइट ऑफ टावर हो गई,
क्लियर। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्लियर। मैंने आपको जो बेसिक समझाया है उसी बेसिक पर आपको करना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद उसका फिगर बनाइए, उसके बाद नोन अपॉन अननोन या अननोन अपॉन नोन का रेशियो लीजिए, और उस जो रेशियो मैंने आपको बताया था पीवीपी अपॉन एचएसबी, उससे आपको एंगल निकाल के जो फाइंड करना, आप उसके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। जैसे चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं इसलिए बार बार क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ाता हूँ। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कि जो पतंग की जो काइट की जो धागा है, वो धागा टेम्परेली ग्राउंड के पॉइंट से बंधा हुआ है। स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है वो अटैच है किससे, ग्राउंड से, और वो जो स्ट्रिंग बंधा हुआ है वो जमीन से 60 डिग्री का, ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए हाइट कितनी है उसकी, कितनी हाइट पर उड़ रही है काइट 60 मीटर पर, और जो उसका स्ट्रिंग है वो किससे बंधा हुआ है, ग्राउंड से, जो 60 डिग्री एंगल बना रही है। क्लियर। तो लेंथ फाइंड करनी स्ट्रिंग की। देखिए बहुत ईजी है ये भी, अच्छे से देखिएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो ये काइट जो 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है, क्लियर, और इसका जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितनी डिग्री बना रहा है, 60। तो आपको स्ट्रिंग निकालनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। लेट AC इज स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, क्लियर। लेंथ होगी स्ट्रिंग की कितनी, 60। AB AC दे रखा आपको, और जो AB है AB इज हाइट ऑफ काइट। अब वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब इसमें एसी ये नोन है आपका ए बी, और एसी क्या आपका अननोन, नोन अपॉन अननोन ले लो, तो पी अपॉन एच, पी क्या आपका ए बी, एच क्या आपका एसी, ए बी अपॉन एस, पी अपॉन एच क्या होता है साइन, साइन 60, साइन 60। ए बी कितना आपका 60, ए सी कितना आपका फाइंड करना है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। साइंस 60 वैल्यू कितनी होती है आपको बच्चों, √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 60 × 2, कितना हो गया 120। तो ए सी इज इक्वल टू 120/√3। फिर नीचे रूट आ गया, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 120√3 तो ऊपर रह गया, अपॉन √3 का √3 मल्टीप्लाई 3, 3 × 4 = 12, 40√3 मीटर। ये क्या आ गया आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40√3 मीटर। क्लियर। इसमें क्या हुआ, सेम एज इट इज, मैंने आपसे कहा कुछ नहीं करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाइए, क्या नोन है क्या अननोन है उसका रेशियो ले लीजिए, उस रेशियो से कौन सा इसमें साइन कॉस टेन कॉट क्या आ रहा है वो ले लिया, और फिर आपने जो अननोन था वो नोन कर दिया। क्लियर।